मैं देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपने जुमले बोलता हूँ, उनकी आंखें खुलने का काम करो। धमकी उमकी का तो मैं तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला, और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। छोटे, जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के शार्क रह चुके हैं। तेरे को दहशत जमाने के लिए तूने बॉलीवुड में एंट्री मारी, सलमान पे दबाव बनाया, बदले में बाबा सिद्दीकी की जान लिया। बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। बराबर है, इंडियन पेनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। क्या बड़ा बन के क्या बनेगा? डॉक्टर है देखो। लेकिन तेरे ऐसी हरकत नहीं किया था, धर्म के नाम पर है ना लोगों को नहीं मारा था। सलमान टस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में। बॉलीवुड में तुझे किंग खांग बोलते हैं। अच्छे अच्छे छोटे मोटे हीरो का तो फ्यूचर तू दबा देता है। मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिए। क्वेश्चन, आपका पिछला इंटरव्यू वायरल होने के बाद मैंने सुना आपको कई लोगों से धमकी मिली, तो क्या मेरी कैसी मिली? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं न्यूज वायरल होने के लिए नहीं देता हूँ, मैं देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपने जुमले बोलता हूँ, समझ गए? और जो अंधे रहते उनकी आंखें खोलने का काम करता हूँ। और दूसरी बात, अगर मेरी आवाज से अगर तुम्हारे अंदर का मरा हुआ इंसान जागता है तो एक नहीं 10 बार बोलूंगा, ठीक है? और रहा सवाल धमकी उमकी का, तो मैं तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। कैसा है ना, मेरे को जो देने का था उन लोगों ने दिया, और मेरे को जो लेने का था मैंने लिया। तो मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज